कक्षा द्वितीय में विषय हिंदी में हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे बेटा? पार्ट एक ऊंट चला पढ़ रहे हैं। इसके हमने शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और खालिस्तान पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए थे और समझाए थे और आपको लिखने को बोला था कॉपी पर। अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? सही जोड़ी बनाइए। क्या पढ़ने वाले हैं? सही जोड़ी बनाइए। काखंड और खाखंड ये सही हैं और काखंड के सामने जो लिखी है काखंड वाली जोड़ी सही नहीं है। देखिए, ऊंची, ऊंची के सामने हमने बालू, फिर पीठ ऊंची लिखा है, फिर बालू के सामने रेगिस्तान, रेगिस्तान के सामने बोझ, बोझ के सामने पीठ। तो ये हमारी जोड़ी सही है क्या बेटा? नहीं है। हमारी कौन सी जोड़ी सही है? काखंड और खाखंड वाली। तो देखिए, ऊंची, यहाँ ऊंची, फिर पीठ, पीठ, बालू, बालू, रेगिस्तान, रेगिस्तान और बोझ, बोझ। यह हमारी जोड़ी कैसी है बेटा? सही है। आपको ये कॉपी पर भी लिखना है। प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा है? नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो और शब्दों को सही कॉलम यानी खानों में लिखो। क्या लिखा है? नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो और शब्दों को सही खानों में लिखो। ये कुछ शब्द लिखे हैं बेटा और हमें इन्हें सही खानों में लिखना है। ऐसे एक से शब्द लिखना है, जो समान मिलते जुलते शब्द हैं उन्हें लिखना है, जो मिलते जुलते हैं आपस में, जिनमें मात्राएं एक सी हैं और जो मिलते जुलते हैं आपस में वो वाले शब्द एक के नीचे एक लिखना है। तो देखिए क्या लिखा है? जूट, सूट, भला, धस, हस, तब, कब, गला, आलू, चालू। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है? बूट, बूट के नीचे हमने क्या लिख दिया? सूट, जूट और सूट। क्या लिख दिया? बूट के नीचे जूट और सूट। तो ये हमारे से मिलते जुलते शब्द हो गए। फिर ये बालू, आलू, चालू, तो ये हमारे मिलते जुलते शब्द हो गए। देखो इसमें आ की मात्रा, इसमें भी आ की मात्रा, इसमें भी, और लामे सब में बड़ों की मात्रा लगी है, तो मिलते हुए शब्द हो गए ना बेटा। फिर फस, धस, हस, फस, धस, हस। तो ये देखो इसमें भी चंद्रबिंदी लगी, इसमें भी लगी और इसमें भी लगी है। फिर चला, गला, भला, इसमें लामे आ की मात्रा, इसमें भी लामे आ की मात्रा ला के, तो ये एक से समान शब्द है ना बेटा, मिल रहे हैं ये शब्द। फिर जब, तब, कब, जब, तब, कब, ये क्या हो गए? हमारे मिलते हुए शब्द जो हमको यहाँ दिए हैं, हमें वहाँ यहाँ से छाँट करके और यहाँ पर ये खानों में लिखना है जो हमने लिखे हैं, और आपको इसको बोल बोल के लिखना है, पढ़ना भी है, याद भी करना है आपको, ठीक है। फिर ये प्रश्न नंबर पाँच, शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। शब्दों को शुद्ध करके लिखिए, ये शब्द दिए हैं बेटा जे थोड़े से गलत हैं। तो हमको क्या, जैसे कुहू, क्या लिखा है बेटा? कुहू, हम क्या बोलते हैं? कुहू, कुहू बोलते हैं हम, कुहू। तो का में बड़ो छोटाऊ की मात्रा और हा में हमने काय की मात्रा लगाई है बड़ऊ की, ये वाला कुहू सही है। बालू, बालू, बालू बोलते हैं, बालू, क्या बोलते हैं? बालू, लामे काय की मात्रा लग गई बड़ऊ की, बालू, ये वाला बालू सही है। फिर क्या है? सुनना, क्या लिखा है? सुनना, सुनना, हम क्या बोलते हैं? सुनना। साम, इधर बड़ऊ की मात्रा लग गई, सामे इसमें छोटाऊ की मात्रा लग गई है। फिर गाव, 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 क्या बोलते हैं? गाव। फिर ऊंट, 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 हाँ यहाँ क्या लिखा? ऊंट, बड़ऊ की मात्रा और ऊपर चंद्रबिंदी, ऊंट। तो आज हमने जो भी पढ़ा है बेटा उसको आपको याद करना है और कॉपी पर लिखना है। धन्यवाद।